very warm morning to all of you. Welcome to Gradeup, guys. Welcome to India's largest online platform. So we are back with your current affairs session. जैसा कि आप जानते हैं आज कुश सर नहीं है, लेकिन सैटरडे को कुश सर ने आपको मेरे से इंट्रोड्यूस करवाया था और ग्रेडअप का और कुश सर का ये प्रयास है कि आपकी कंटिन्यूटी मिस नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए. तो आज भी कुश सर काफ़ी मेहनत करके आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं. सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और सारा डेटा आपको आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द इनडिस्पेंसेबल करंट अफेयर्स एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस आल्सो. ओके, सो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ. जो जो ऑनलाइन है यहाँ पे, रजत जी, चंचल जी, प्रदीप जी, पांडे जी, मोहित जी, अ वेरी वार्म मॉर्निंग टू, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ओके, सुप्रभात, नमस्ते. जल्दी से आ जाइए, जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं. रवीश जी, राहुल जी, जस्ट लेट मी नो व्हेन टू स्टार्ट. जैसे ही स्टार्ट करना हो आप मेरे को बताइए. सर स्टार्ट द सेशन, एज मॉर्निंग का टाइम है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ है, एनर्जेटिक है आप काफी, जल्दी से बताइए. यस, सो प्रदीप जी का आ गया. लेट स्टार्ट सर, लेट स्टार्ट. सो जल्दी से देखते हैं आज का एजेंडा. व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडे? ओके, सो वार्म अप क्विज, पहले हम एक वार्म अप क्विज देखेंगे, ऑलराइट, फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, ऑलराइट, एंड न्यूज पेपर एनालिसिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. द हिंदू द ओनली कोर न्यूज पेपर विच प्रोवाइड्स यू द बेटर प्लेटफॉर्म टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन. सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए द हिंदू इज द बेटर प्लेटफॉर्म. फिर एक स्टैटिक जीके है. आप जानते हैं आप जिस एग्जाम में अपेयर कर रहे हैं, वेदर इट्स योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस एग्जामिनेशन, अदर वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सब में दो तरीके से जनरल अवेयरनेस और जीके पे फोकस किया जाता है. वन इज स्टैटिक एंड वन इज करेंट. सो स्टैटिक इज अगेन बैकबोन है जीके का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम देखेंगे आज. स्टैटिक अवेयरनेस फ्रॉम 2019 करंट अफेयर्स, जो प्रीवियस ईयर गया है अभी हमारा, उसमें से कुछ स्टैटिक अवेयरनेस है वो भी हम देखेंगे. एंड इन द एंड विल हैव द रिकैप ऑफ द डे. ओके, व्हाट ऑल वी हैव डन, उसी का एक सिंक्रोनाइज वे में हम रिकैप करेंगे. ओके, सो पीडीएफ लिंक आप सबको डीप लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, तो वहां से आप पीडीएफ लिंक भी इस क्लास का ले सकते हैं. सो लेट्स क्विकली मूव टू आवर फर्स्ट स्लाइड एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन गाइस. तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन. निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन ऊर्जा स्टेशन बनाने वाला पहला राज्य बन गया है, ये आपको बताना है. सो जल्दी से कमेंट करिए. मोहित जी, आपने सैटरडे का सेशन नहीं लिया है, जो पूछ रहे हैं कुछ सर कहाँ हैं, तो सैटरडे को इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी यू आर नॉट कंसिस्टेंट. ओके, ये संकेत जी, दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर आरबीआई असिस्टेंट मेंस एज वेल. ओके, आपके एसबीआई, आपके आरबीआई एंड वेरियस अदर, जहां पे जनरल अवेयरनेस एक कोर सब्जेक्ट है आपको बताना है, तो वहां के लिए हेल्पफुल है. ठीक है, तो वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे या वेस्टर्न रेलवे, कौन सा जोन बना है फर्स्ट रेलवे जोन टू बिकम टू हैव एनर्जी न्यूट्रल जोन? सो आंसर इज साउथ बी. ज्यादातर लोगों ने सी उत्तर दिया है, बट द आंसर इज साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे. ऑलराइट, सो हाउ मेनी रेलवे जोन्स डू वी हैव, लेट्स ऑब्जर्व. ओके, तो एक बार एक नजर डाल लेते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे पे. देर आर 13 नंबर ऑफ एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन. जो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है आपका, उसके अंदर 13 ऐसे स्टेशन हैं जो एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन हैं. वॉट आर एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन? ठीक है, एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन को एक बार जान लीजिए. यू नो, एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना ज्यादा जरूरी है, और लाइट एंड एनर्जी पे डिपेंडेंसी है, जो हमारा कोल एनर्जी पे डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है. सो वी नीड टू शिफ्ट, हमें शिफ्ट करना है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ. सोलर एनर्जी इज वन ऑफ देम. तो इन एनर्जी स्टेशंस पे हमने सोलर एनर्जी को कर या आप देख सकते हैं तरह तरह की जो टेक्नोलॉजी आजकल आप देख रहे हैं, जिससे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस पे बेस्ड ये एनर्जी स्टेशंस होंगे. दे आर नॉट रनिंग सोलली ऑन कोल एनर्जी, थर्मल एनर्जी पे ये रन नहीं करेंगे. ऑलराइट, सो फॉर्मेशन कब हुआ था साउथ सेंट्रल जोन का? ये हुआ था 1966 2 अक्टूबर को, और हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय पूछे जाते हैं
कहां है साउथ सेंट्रल जोन रेलवे के मुख्यालय, तो सिकंदराबाद। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जितने भी हमारे रेलवेज के कैंडिडेट्स हैं एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। एंड लेट्स ऑब्जर्व वेरियस सेंट्रल जोन, हम सारे रेलवे जोन को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो वेल बेटर है, ठीक है, क्योंकि राइटिंग से अच्छा तो कुछ भी नहीं होता। तो लेट्स ऑब्जर्व रेलवे जोन्स। पहला है सेंट्रल रेलवेज, ठीक है, सेंट्रल रेलवेज के आप देख लीजिए, हेडक्वार्टर्स इज योर मुंबई। देन वी हैव नॉर्दर्न रेलवेज, हेडक्वार्टर्स दिल्ली। जो हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी छात्र भी जान लीजिए, हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय, ठीक है, एक पर्टिकुलर जोन रेलवे जोन का मुख्यालय होगा उसका। ऑलराइट, अभिजी कह रहे सर आई एम नॉट गेटिंग पीडीएफ, प्लीज रिजॉल्व दिस। अभिजी, ये मैं टेक्निकल टीम को आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा, इफ यू आर नॉट गेटिंग पीडीएफ आई विल रिजॉल्व दिस, ठीक है। दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट जी अभिजी जी, आई विल रिपीट, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के आपके गोरखपुर में है। देन वी हैव नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवेज गुवाहाटी। देन ईस्टर्न रेलवेज फेयरली पैलेस इन कोलकाता विच इज सिटी ऑफ जॉय, ओके। देन साउथ ईस्टर्न रेलवेज गार्डन रीच कोलकाता अगेन। देन साउथ सेंट्रल रेलवेज सिकंदराबाद, इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूज में जो रहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको प्रायोरिटी भी अपना देखना होगा, जो न्यूज में है वो ज्यादा स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी हैव साउथ सदर्न रेलवेज चेन्नई सेंट्रल। देन वी हैव वेस्टर्न रेलवेज इज इन मुंबई। एंड देन वी हैव साउथ वेस्टर्न रेलवेज हुबली, ओके। मूविंग ऑन टू फॉरवर्ड, देन नॉर्थ वेस्टर्न इज योर जयपुर, वेस्ट सेंट्रल इज योर जबलपुर, एंड देन नॉर्थ सेंट्रल इज अलाहाबाद। आई विल गिव यू टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट, मैं आपको टाइम दूंगा, एक बार लेट्स हैव अ ऑब्जर्वेंस। ऑलराइट, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल बिलासपुर। देन वी हैव ईस्ट कोस्टर्न रेलवेज भुवनेश्वर। देन ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर। देन वी हैव मेट्रो रेलवेज कोलकाता अगेन। एंड देन वी हैव साउथ कोस्ट रेलवेज विशाखापट्टनम, ओके। सो मेरा आपसे अनुरोध है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इतना जल्दी लिखना तो पॉसिबल नहीं होगा, और इसे एक बार लिख के जरूर देखिएगा, जितने भी रेलवेज को एम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड से, पक्का पक्का क्वेश्चन है। यस बशीर जी बोलिए, बशीर जी आई हैव टू मेनी कमेंट्स ओवर, ऐसा नहीं है, आप सभी का कमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऑलराइट, यस ले लिया है, ले लिया है स्वाति जी, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, मेरे को बता दीजिएगा एक बार, जैसे ही स्क्रीनशॉट ले लिया है मेरे को बता दीजिए, मैं साइड हो गया हूं, ठीक है। डन, ओके, स्क्रीनशॉट टेकन, बशीर जी ने कह दिया है। एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ अनदर स्लाइड एज वेल, इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। यस अंकिता जी, आप नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंफॉर्मेटिव स्लाइड, ओके। यस डन, ऑलराइट डन, आ गया है सभी की तरफ से, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है आपके स्क्रीन पर राइट अवे, आपको बताना है हु ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स हैज इनॉग्रेटेड ए पेरी ऑन व्हील्स फॉर बी कीपिंग इन न्यू दिल्ली। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में मधुमक्खी पालन के लिए एपेरी ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? इसका आंसर मुझे आप सभी से सही चाहिए, क्योंकि आप इसे कई बार आपने सुना भी होगा, और ये क्वेश्चन करा जा सकता है, एक मॉडरेट लेवल का है क्वेश्चन है। चंचल आचार्य जी कह रही है स्किप, यस यस यस, सुमन जी जी ने सही जवाब दिया है। देन प्रेम कुमार जी थोड़ा सा गलत है, यशवंत जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है। पूनम जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, नितिन गडकरी, यस, तो आंसर फॉर दिस विल बी नितिन गडकरी, ओके। सो नितिन गडकरी आप जानते हैं शिपिंग के, ट्रांसपोर्टेशन के रोड मिनिस्टर्स हैं, और रोड मिनिस्टर हैं ना, माइक्रो स्मॉल वे अन्य मिनिस्ट्री, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं इनके पास। ऑलराइट, सो एक चीज यहां आप जान लीजिए, एपेरी, एपेरी इज रिलेटेड टू बी। ऑलराइट, अब दो चीजें आपको मैं बता दूं एक बार, कि कल्चर अलग होता है और स्टडी अलग होता है। कई बार एक स्टैटिक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें स्टूडेंट्स हमारे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज स्टडी ऑफ बीज नोन एज,
बीज की स्टडी को क्या बोलते हैं और वहां पे एपिकल्चर लिखा होता है तो काइंडली इसे मार्क मत करिएगा, ओके। जहां पे भी कल्चर वर्ड होगा उसका मतलब होगा पालना, उसका मतलब होगा पालना, कल्टीवेशन, ऑलराइट। सो यहां पे एपियोलॉजी अगर वर्ड आता है, एपियोलॉजी, ऑलराइट, दैट विल बी स्टडी ऑफ बीज। लेकिन अगर एपिकल्चर लिखा है दैट विल बी कल्चर, दैट विल बी कल्टीवेशन ऑफ बीज, यानी बीज को पालना, ऑलराइट। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए स्टडी ऑफ फिश को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फिश, मछली की स्टडी, मछली के ऊपर स्टडी, या स्टडी ऑफ फिशेस को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। यस टीआर योगिता जी, मैं यही बता रहा हूं, एपियरी या एपिकल्चर को आप स्टडी ऑफ बीज नहीं बोलेंगे, बीज को पालना बोलेंगे, ठीक है, बीज को पालना। और देखो अब यहां पे उत्तर आया है, पवन जी का आया है, प्रिया जी का आया है, यस मनीष जी ने सही उत्तर दिया। देखिए अगर आप पीसी कल्चर को स्टडी ऑफ फिशेज मानेंगे तो अगेन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूं, जहां पे भी कल्चर वर्ड आएगा वो स्टडी से रिलेटेड नहीं होगा, डेट इज रिलेटेड टू कल्टिवेशन, पालने से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इस्थियोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने इस्थियोलॉजी मार्क करा है डेट इज स्टडी ऑफ फिशेज, स्टडी ऑफ फिशेज इस्थियोलॉजी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है जहां पे लॉजी वर्ड आएगा दैट इज रिलेटेड टू स्टडी, स्मॉल कंसेप्ट, लेकिन कई बार हम गलती कर जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ओके। सो ऑब्जर्व दिस, ऑलराइट। सो पीसी कल्चर इज कल्टिवेशन ऑफ फिशेज, इस्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेज, सिमिलरली एपिकल्चर इज कल्टिवेशन ऑफ बीज एंड एपियोलॉजी इज स्टडी ऑफ बीज। एम आई क्लियर टू यू, एम आई क्लियर टू यू, एक बार बोल दे क्लियर सर, क्लियर सर। तो आगे मूव करते हैं, एम आई क्लियर टू यू और नॉट, आगे चलें। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अवे इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। यस एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और ऑब्जर्व कर लीजिए इसी के रिगार्डिंग। ये है आपका एपियरी ऑन व्हील्स, एपियरी ऑन व्हील्स में एन एपियरी इज एन लोकेशन वेयर बीहाइव्स ऑफ मनी आर कैप्ट। एपियरी किसे कहते हैं, उस लोकेशन को कहते हैं जहां पर बीहाइव, जहां पे बीज आती हैं और वो अपना हनी कलेक्ट करती हैं, वहां पे गैदर करती हैं, ऑलराइट। कोई रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, ऑलराइट। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कब फाउंड हुआ, एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ऑलराइट। तो 1956 में, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स, इसके मुख्यालय कहां है, तो मुंबई, एंड हु इज द चेयरमैन, विनय कुमार सक्सेना, इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फाउंडेड हेडक्वार्टर्स एंड योर चेयरमैन, ऑलराइट। देन रिलेटेड मिशंस आर हनी मिशंस, 2017 में हमने हनी मिशन टू हैव एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन दिस सेक्टर, हनी मिशन हमने शुरुआत किया था, ऑलराइट। एंड दिस इज योर एपियरी इन व्हील्स, यू कैन हैव अ लुक ओवर इट, ऑलराइट। सो इनॉग्रेटेड बाय नितिन गडकरी जी, ऑलराइट। So moving on to next question in front of your screen. I hope you have noted down or taken the screenshot. Then next question in front of your screen. पहला question, next question आपके screen पर आ गया है. Union Minister of Road Transport Nitin Gadkari launched which state's first intercity electric bus service? First intercity electric bus service. हिंदी में भी जान लीजिए एक बार, हिंदी में भी जान लीजिए. केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने, नितिन गडकरी जी ने, किस राज्य की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करी है? सो अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू नितिन गडकरी जी, और यहां पे उत्तर आना शुरू हो गया, पवन जी का, राज जी का, बशीर जी का, देन बबीता जी का, ऑलराइट। ऑलराइट बशीर जी, आप इटैलिक्स में आंसर ना दीजिए, अपना आंसर नॉर्मल रखिए, इटैलिक्स में जो यूट्यूब का क्रॉलर है वो नहीं करता उसे एक्सेप्ट, ओके। यहाँ पे हमारे कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, अंजू जी, विकास जी, यशवंती जी, पूजा जी, अभी जी, ऑल ऑफ यू आर गिविंग राइट आंसर्स, सो महाराष्ट्र इज एब्सोल्युटली करेक्ट, महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। ऑब्जर्व कर लीजिए महाराष्ट्र के बारे में कुछ चीजें, रिसेंटली गवर्नमेंट बना है महाराष्ट्र में तो क्वेश्चन आ सकता है। सो हु इज करंट सीएम ऑफ महाराष्ट्र, तो आंसर इज उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे 19th सीएम बने हैं महाराष्ट्र के, 19वें चीफ मिनिस्टर हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको, जल्दी से कमेंट करके बताना है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू कानून कौन से शेड्यूल में दिया गया है भारतीय संविधान के, इन विच शेड्यूल ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। मीनवाइल जल्दी से बताइए, क्योंकि जब बात आती है इस बार की महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तो एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ज्यादा न्यूज में आया था, तो एक बार आप एंटी डिफेक्शन लॉ को भी गो थ्रू करेंगे, यू कुड गेट क्वेश्चन फ्रॉम एंटी डिफेक्शन लॉ ऑल्सो। राइट, सो गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। राइट, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन महाराष्ट्र? सो आंसर इज 36। ओके, हाउ विच आर द फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के कुछ फेमस नेशनल पार्क्स आपके तड़ोबा, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। ओके, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, प्लीज काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ऑलराइट, देन एयरपोर्ट्स, द फेमस एयरपोर्ट्स आर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी आर अंबेडकर, ऑलराइट, नागपुर में, फिर आपका गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट इन नंदेड़। देन वी हैव डैम्स, डैम्स इज योर डैम्स, कोयना डैम, कोयना रिवर के ऊपर बना है कोयना डैम, जायकवाड़ी डैम जो गोदावरी नदी के ऊपर बना है, और एक ये मल्टीपर्पज डैम है, और गोदावरी जिसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर फोक डांसेस में लावनी आप जानते हैं, लावनी बड़ा फेमस फोक डांस है आपके महाराष्ट्र का। देन दंगाड़ी राजा एंड तमाशा, लावनी एंड तमाशा बहुत बार पूछे जा चुके एग्जाम में, तो इसे नोट कर लीजिएगा, इसे मैं स्टार मार्क करूंगा। फोक डांसेस में लावनी एंड तमाशा आर इंपॉर्टेंट। देन वी हैव इंपॉर्टेंट फेमस स्टेडियम्स, वानखेड़े, तो वानखेड़े स्टेडियम से तो सभी रूबरू हैं, आई नो यू ऑल नो इट। ओके, सो आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करूं, बता दीजिएगा सर टेकन, टेकन करके कमेंट कर दीजिए यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। सो आगे चलते हैं और कुछ बातें जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में बड़ा ही फेमस टेम्पल है सिद्धि विनायक। ओके, देन वी हैव त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर जो नासिक में है, और शिर्डी टेम्पल, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, महत्वपूर्ण मंदिर है महाराष्ट्र के। उसके बाद बात करते हैं निक नेम्स, इन्हें हम सॉब्री के भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉब्री के। भाई आप जानते हो 200 इयर्स, ऑलमोस्ट 190-200 इयर्स ब्रिटिशर्स ने रूल किया है भारत पे। सो एक कंपैरिजन हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड से इंडिया का। सो वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई सिटी है जो फेमस है, वो इंडिया में ऐसी कौन सी सिटी है जो उसके जैसे लगती है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई गली में क्रिकेट अच्छा खेलता है, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं ये हमारे मोहल्ले का सचिन तेंदुलकर है, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली में सचिन तेंदुलकर है? नहीं, तो हमने एक उपाधि दे दी उस पर्सन को कि ये सचिन तेंदुलकर जैसा है। ऑलराइट, सिमिलरली कुछ सिटीज ऐसी हैं जो वर्ल्ड में फेमस कोई पर्टिकुलर सिटी है उसके जैसे लगती है, तो इंडिया में हमने उसको एक पर्टिकुलर टाइटल या पर्टिकुलर उपाधि दे दी है जिसे हम बोलते हैं सॉब्रिके। क्या बोलते हैं? सॉब्रिके। तो मुंबई को कौन सा सॉब्रिके अलॉटेड है आप देख सकते हैं, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई को कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को भी बोला जाता है और मुंबई को भी बोला जाता है। मैनचेस्टर, आज आप कहेंगे सर मैनचेस्टर फुटबॉल के लिए फेमस है, नहीं, मैनचेस्टर इज फेमस फॉर ट्रेड एज वेल, और एंशियंट, मतलब थोड़ा सा पहले चलेंगे 18th-19th सेंचुरी में मैनचेस्टर वाज वेरी फेमस फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए भारत में कौन फेमस है? तो गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई। ऑलराइट, देन वी हैव नागपुर, ऑरेंज सिटी कहा जाता है, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पुणे को, देन वी हैव क्वीन ऑफ डेक्कन भी आपका पुणे को कहा जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन। सिमिलरली मुंबई को हम कॉटनोपोलिस भी कहते हैं, आपका कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया, कॉटनोपोलिस मुंबई को कहा जाता है, मुंबई को गेटवे टू इंडिया भी कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को बोला जाता है, बहुत सारी टाइटल्स हैं। ऑलराइट, सो आपको कमेंट करके बताना है टेम्पल सिटी किसे कहा जाता है, आपको कमेंट करके बताना है भारत की टेम्पल सिटी किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, आई वॉन्ट टू सी रिप्लाई, सर मैं, कोई बात नहीं सोनी जी, आप चिंता मत करें, ठीक है, सिर्फ दो दिन की बात है, ये आप ही के भलाई के लिए है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी मिस नहीं होगा, ठीक है, कंटिन्यूटी मिस नहीं होने चाहिए, आप नहीं आप जा सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए उसके बाद हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स अगर मुंबई की बात करें, ऑलराइट, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो मदुरई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, एक्सलेंट, ऑलराइट, लेकिन आंसर विल बी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी कहा जाता है, ठीक है।
कोई बात नहीं सोनी जी, इट्स ओके, इट्स वेरी ओके, जस्ट फोकस ओवर हियर. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पे पाया जाता है, अजंता एंड एलोरा केव्स, वेरी एंशियंट एंड वेरी अट्रैक्टिव केव्स. ऑलराइट, बीबी का मकबरा, ये भी आपका औरंगाबाद में पाया जाता है. शनिवार वाड़ा, ये पुणे में है, ये भी आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है. दीज आर द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाराष्ट्र. देन वी हैव रामसर साइट्स. भाई जल्दी से बताइए, रामसर कहाँ है, रामसर कहाँ पे है, जल्दी क्विकली कमेंट एंड टेल. रामसर, रामसर कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताना है. रामसर वर्ल्ड में कहाँ लोकेटेड है. यस, सो चंचल जी का उत्तर आ गया ईरान. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट. चंचल जी का आया है, महेंद्र जी का आया है, सुदीप जी का आया है, राजीव जी केरला नहीं. ऑलराइट, एक्सीलेंट. सो आप जानते हैं पूरे विश्व में एक सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन मींस कन्वेंशन. ऑलराइट, रामसर कन्वेंशन जिसे कहते हैं, रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन, जहां पर वेटलैंड्स, वेटलैंड्स क्या होता है, वेटलैंड्स हमारे झील, हमारे जो पानी के जलाशय होते हैं, झील, पॉन्ड्स, रिवर्स, जो एक इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल इकोसिस्टम होते हैं, एक यूनिक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं. इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र होता है वो. रामसर ने वहां से शुरुआत हुई 1971 में 2 फरवरी से, जब ये कन्वेंशन हुआ वहां से शुरुआत हुई कि हमें इन जलाशयों को कंजर्व करना है, इन झीलों को, इन पॉन्ड्स को कंजर्व करना है. और टुडे इंडिया हैव 37 रामसर साइट्स, रामसर रिकॉग्नाइज साइट्स 37 है भारत में, ठीक है. एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मॉन्ट्रियोक्स, मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड भी आपने सुना होगा. जो रामसर साइट मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में आ जाती है उसके लिए पूरा विश्व यानी पूरा वर्ल्ड एफर्ट करता है टू कंजर्व इट, कि उसे विलुप्त ना हुए जाना चाहिए, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उसे कंजर्व करने के लिए पूरा विश्व करता है एफर्ट. ऑलराइट, सो जीआई टैग्स, देन वी हैव जीआई टैग्स. तो रामसर साइट्स कौन सी है, नांदूर मध्यमेश्वर, ये एक जलाशय है, रामसर साइट्स है महाराष्ट्र में, ये आपको पता होना चाहिए. ऑलराइट, देन जीआई टैग्स, जीआई टैग्स यानी भौगोलिक संकेत. ऑलराइट, मनीष जी पूछ रहे हैं सर वाराणसी को क्या कहते हैं. ऑलराइट, तो आप टेंपल सिटी और सिटी ऑफ टेंपल्स में थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, मैं क्लियर कर देता हूं. सिटी ऑफ टेंपल्स क्या होता है, वो शहर जो अपने मंदिरों के लिए, अपने प्राचीन मंदिरों के लिए फेमस है, यानी वहां पर मंदिरों की बनावट, उनका आर्किटेक्चर और उनका सिग्निफिकेंस मैटर करता है. लेकिन टेंपल सिटी, टेंपल सिटी क्या होगा, वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंपल्स पाए जाते हैं, वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंपल्स पाए जाते हैं. ऑलराइट, तो टेंपल सिटी इज भुवनेश्वर एंड सिटी ऑफ टेंपल इज वाराणसी. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. जीआई टैग्स, भौगोलिक संकेत कौन कौन सा है, तो सोलापुर चादर, तेरी टावल, पुनेरी पगड़ी, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी एंड वर्ली पेंटिंग, इनको भौगोलिक संकेत मिला है. टाइगर रिजर्व्स, सो मेलघाट, टडो, बांधेरी, पेंच एंड सह्याद्री एंड बोर, ठीक है, पेंच, सह्याद्री एंड बोर, दीज आर द टाइगर रिजर्व्स इन महाराष्ट्र. ऑलराइट, एंड देन लास्ट इज योर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. सो अजंता केव्स इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अजंता एंड एलोरा बोथ इंक्लूडिंग एलिफेंटा, एंड योर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज ऑल्सो योर वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, क्विकली कमेंट, क्विकली कमेंट, लेट्स मूव क्विकली नाउ. आपको बताना है द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस वॉज कैंसल्ड ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक, वॉट वॉज द वेन्यू ऑफ दिस कांग्रेस. तो यहां आपको बताना है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी कौन कर रहा था जिसे स्थगित कर दिया गया. स्थगित क्यों कर दिया गया, कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से. ऑलराइट, तो कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को रद्द कर दिया गया था. इस कांग्रेस का वेन्यू क्या था, ठीक है, अब जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है पिछली स्लाइड का, मैं आपको अभी समय दूंगा, आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट. यस, सो आंसर इज बार्सिलोना, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो बार्सिलोना बिल्कुल सही है. ऑलराइट, तो यहां पे पेन एक बार देख लेते हैं, मार्क हो जाए. यस, तो बार्सिलोना इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑलराइट, सो लेट्स ऑब्जर्व कोरोना वायरस, ठीक है. एक बार मैं पिछली स्लाइड आपको दिखा देता हूं और आपको समय दे देता हूं. काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्विकली हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, वेरी इंफॉर्मेटिव स्लाइड, बहुत मेहनत करते हैं कुश पांडे सर आपके लिए और उनके द्वारा, और मैं भी चाहता हूं अगर
गुरु आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है तो शिष्य का भी ये औचित्य, ये धर्म, ये एक तरीके से फर्ज बनता है कि उसे फॉलो करें, ठीक है। तो आई होप यू हैव टेकन इट। यस भाई, गुरु की बात आ गई तो एक बात याद आ रही है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर महेश्वर, है ना, एंड गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवो नमः। तो कुश सर को आप जरूर फॉलो करिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और प्लीज उनको सिलेक्शन लेके दीजिए इस बार, ठीक है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अमंग टॉपर्स, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स ऑब्जर्व कोरोना वायरस। तो नेम ऑफ द वायरस क्या है? तो अब देखिए, कोरोना वायरस आप नहीं बोलेंगे, द वायरस नेम हैज बीन चेंज टू COVID-19। सो जो यूपीएससी मेन्स लिखने वाले हैं आंसर राइटिंग में, यू शुड नो यू नीड टू टेक वेरियस नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। अपना आंसर यूनिक कैसे बनाएंगे, हर चीज को इलेबरेट करना है और अलग अलग नाम से जाना है, ठीक है। तो कोरोना वायरस को आप COVID-19 कोरोना वायरस बोलेंगे। एजेंट ऑफ वायरस, एजेंट ऑफ वायरस इज अ पेंगुलिन। पेंगुलिन इज एन एनिमल, ओके, अभी मैं दिखाऊंगा पेंगुलिन कैसे दिखता है। देन नेचर ऑफ वायरस इज जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब क्या है? जो ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है और एनिमल से ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी डेडली और वेरी क्रॉनिक, यू कैन से, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो चीज एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकता है और ह्यूमन से एनिमल्स में ट्रांसफर हो सकता है, बहुत जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी उसका आउटब्रेक होता है। ओके, अभिजीत सिंह, ऑलरेडी सीन पेंगुलिन, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, देन वी हैव ओरिजिन ऑफ वायरस। ओरिजिन कहां हुआ था? तो हुनान सी फूड मार्केट, कहां है ये? चाइना के वुहान डिस्ट्रिक्ट में एक हुनान सी फूड मार्केट है जहां से इसका आउटब्रेक हुआ है। ओके, और आप जानते हैं नॉट एबल टू कंट्रोल, इतना रैपिडली ये फैला है कि इवन चाइना इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। ओके, देन कंट्री विद हाईएस्ट रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क कहां हुआ है आपका? जापान, थाईलैंड, इंक्लूडिंग इंडिया। क्यों ये कंट्रीज रिस्क में है? क्योंकि इस हुनान सी फूड मार्केट से जो फूड है वो एक्सपोर्ट होता है हर कंट्री पे ऑलमोस्ट, और उसमें सबसे ज्यादा मेजर जो इंपोर्टर्स है वो जापान, थाईलैंड एंड इंडिया है। तो यही रिस्क पे है ज्यादातर, और यहाँ पे जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन पीपल भी ज्यादा है, इसलिए इन कंट्रीज को रिस्क पे रखा गया है। देन एक्सपेंशन ऑफ डिजीज, सो बॉर्डर लाइन पेंडेमिक। नाउ लिसन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पेंडेमिक। सो एपिडेमिक, यू नो, ऑलराइट, जैसे महामारी कोई फैलती है, पैन का मतलब होता है ऑल, ऑलराइट, पेंडेमिक इज समथिंग वेरी स्प्रेड ओवर ऑल ओवर द रीजन, स्प्रेड ऑल ओवर द रीजन, ऑलराइट। सो एन एपिडेमिक डिजीज स्प्रेड ओवर अ लार्ज रीजन इज पेंडेमिक, ऑब्जर्व, ऑलराइट। देन वी हैव रिलेटेड वायरसेस, सो ऑब्जर्व दीज, ऑलराइट। सो सार्स, क्विकली कमेंट मी द फुल फॉर्म ऑफ सार्स। सार्स का फुल फॉर्म बताएंगे और MERS का फुल फॉर्म बताएंगे। सो सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो दीज आर कोरोना वायरस, आप कह सकते हैं इसका मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वायरस आपके सार्स और MERS हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कवर करना है, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है who of the following has been appointed as the head of the municipal bond development committee by SEBI, so controller of your stock markets, stock exchange, SEBI, securities exchange board of India। Excellent Shalini ji, yes Abhay ji, Bhuvana ji, yes I will show previous slide, but kindly thoda sa fast hum chalenge, theek hai, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है जल्दी से ले लीजिए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे इसके बाद फिर। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। यस गाइस, क्विकली टेक इट और एक बार लिख दीजिएगा टेकन सर। ऑलराइट, सो यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड ऑफ यू, आपको बताना है कौन बने हैं अध्यक्ष, प्रमुख कौन बने हैं जो नगर पालिका बॉन्ड विकास समिति है। सो आंसर इज नन अदर देन योर सुरजीत प्रसाद। ओके, सुरजीत प्रसाद हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल बॉन्ड्स डेवलपमेंट कमिटी बाय SEBI। ओके, यस, आयुष जी ने बहुत सही बताया, जब PDF मिल जाता है तो वहां से रीड कर लीजिएगा। ओके, ऑलराइट,
So let's observe something about some important facts about SEBI. तो कब establish हुआ है SEBI? SEBI आपका 1992 में establish हुआ है April 12 को. Who is current chairman? Very important, अजय कुमार त्यागी. बहुत बार आ भी चुका है तो मैं easy level का मानूंगा, लेकिन still you cannot know कब कौन सा question आ जाए, तो इसलिए अजय कुमार त्यागी chairman of SEBI. And where are the headquarters of SEBI? तो मुंबई महाराष्ट्र. मुख्यालय कहाँ है SEBI के? तो मुंबई महाराष्ट्र, आप इसका उत्तर देंगे. ऑलराइट, उसके बाद कुछ कमिटीज जान लीजिए, कुछ समितियों को जानना बहुत जरूरी है जो इससे रिलेटेड है. तो आते हैं टेलीकॉम सेक्टर रिवाइवल कमिटी, हु वाज हेडेड बाय अर्जुन सुंदरांजन, ठीक है. देन सेल ऑफ ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, बोथ आर योर महारत्न कंपनीज एंड अमंग द महारत्न कंपनीज. सो हु वाज द हेड? हेड वाज राजीव कुमार. देन NDTF, योर न्यू डायरेक्ट टैक्स टास्क फोर्स, अखिलेश रंजन. ऑलराइट, सो जस्ट ऑब्जर्व द इंपॉर्टेंट कमिटीज रिलेटेड टू म्युनिसिपल डेवलपमेंट कमिटीज. ओके, सो नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, यू नीड टू टेल. यस गाइस, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आपको बताना है फोर्ब्स के अनुसार रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स, एक इंडेक्स दिया जाता है रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स, हु हैज बिकम द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इंडिया. फोर्ब्स के अनुसार जो दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भारत का, जो फोर्ब्स ने रिलीज किया है, ठीक है, अ वेरी पावरफुल मैगजीन, यू नो फोर्ब्स, इट्स अ बिजनेस मैगजीन जो बाय वीकली दी जाती है, यानी हर दो हफ्तों में एक बार दी जाती है, महीने में दो बार आता है. तो किसको सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बताया है फोर्ब्स ने? सो आंसर इज राधा किशन दमानी. राधा किशन दमानी इज द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया एज पर द रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स, ठीक है, रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स. ऑलराइट, सो ऑब्जर्व राजा किशन दमानी, इन्होंने डीमार्ट की स्थापना इन्होंने करी थी. He founded DMart in the year 2000. All right. Where are the headquarters of DMart? So DMart ke headquarters aapka Mumbai mein hai. It's a multi-purpose, multi-level aapka ek market ki tarah hai. Theek hai. Forbes ke baare mein janenge. Forbes ke editor-in-chief kaun the? Steve Forbes. All right. Steve Forbes. And kab pehla edition kab aaya hai Forbes ka? 1917. So very old, very traditional and very टू द पॉइंट, वेरी इफेक्टिव. फोर्ब्स में जिनका नाम आ जाता है, समझ लीजिए किस्मत चमक गई, बंदे की निकल पड़ी. ऑलराइट, सो कंट्री यूएसए, फोर्ब्स. सो फोर्ब्स मैगजीन, ऑलराइट, तो फर्स्ट इश्यू 1917, एडिटर इन चीफ स्टीव फोर्ब्स. दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप नोट डाउन कर सकते हैं. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, सोनम शेरपा रिसेंटली पास हुए हैं, रिसेंटली इनका डेथ हुआ है एट द एज ऑफ 48. ही वॉज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ, आपको बताना है जो सोनम शेरपा है, ये क्वेश्चन ओबिचुरी से है. सो यू कैन एक्सपेक्ट वन और टू क्वेश्चन फ्रॉम ओबिचुरी एज वेल. ओबिचुरी यानी जो मृत्यु हो जाती है किसी फेमस पर्सनैलिटी की, तो सोनम शेरपा किस फील्ड से रिलेटेड है ये आपको बताना है. ओके, राइट, यस, म्यूजिक, फिल्म, आर्ट्स और साइंस. सो यहां पे सही उत्तर आ रहा है यशवंत जी का, पूजा जी का सही उत्तर है हमारे कोर्स में. एंड लेट्स ऑब्जर्व यूट्यूब वाले क्या कर रहे हैं. तो कुछ लोग साइंस बोल रहे हैं, आर्ट्स, भीम भाई आर्ट्स बोल रहे हैं. राइट, देन नैना जी भी आर्ट बोल रही है. तो आंसर इज योर म्यूजिक, ही इज रिलेटेड टू म्यूजिक. एंड यू कैन ऑब्जर्व द इमेज, इमेज से याद रहता है हमारा मेमोरी, ऑडियो विजुअल रहता है, ठीक है. ऑडियो विजुअली बहुत ज्यादा, बहुत इफेक्टिव वर्क करता है. तो यू कैन ऑब्जर्व, याद रहना चाहिए सोनम शेरपा, ठीक है, ही इज रिलेटेड टू म्यूजिक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, वर्ल्ड पेंगुलिन डे कब ऑब्जर्व होता है? सो दिस इज अ न्यूएस्ट क्वेश्चन और इसे मैं स्टार मार्क करता हूं. यू कैन ऑब्जर्व, अगर इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यू कैन एक्सपेक्ट वर्ल्ड पेंगुलिन डे. ओके, सो विश्व पेंगोलिन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है. सो ऑब्जर्व, लेट्स ऑब्जर्व द आंसर्स. शालिनी जी सेंग सी, प्रदीप जी सेंग सी, बबीता सी,
अंकिता जी 15 फेब, अनिल जी 15 बोल रहे हैं, अश्वनी जी हमारे कोर्स में, अंकिता शर्मा, साउजी शर्मा, सुमनजीत, गायत्री, सो कोर्स वाले स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग बेटर, दैट्स ग्रेट, ऑलराइट। सो ज्यादातर लोग 15 फेब कह रहे हैं, क्यों क्यों क्यों? 14 फेब, 14 फेब इज योर वर्ल्ड पेंगुलिन डे। सो कैसा दिखता है पेंगुलिन? मैंने कहा था आपको दिखाऊंगा पेंगुलिन, दिस इज योर पेंगुलिन। और बात चल रही थी इसको रेडियो टैग करने की, तो मध्य प्रदेश में रेडियो टैग भी किया गया है। रेडियो टैगिंग से क्या एडवांटेज होगा कि हम इसका जो लोकेशन है वी कैन ट्रैक, हम ट्रैक कर सकते हैं इनका लोकेशन जब भी चाहे। तो रेडियो टैगिंग ऑफ दीज जूनोटिक एनिमल्स, ऑलराइट, क्योंकि इन्हीं से आपका कोरोना वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, ऑलराइट। सो दीज आर द एजेंट, ऑलराइट, दीज आर द एजेंट। देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट, ट्रांसफरिंग एजेंट एंड कॉजिंग एजेंट, ऑलराइट। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मलेरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए मॉस्किटो, बी डॉग बाइट एंड सी नन। मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, डॉग बाइट और नन। थोड़ा राइटिंग समझ नहीं आएगा बट मैं आपको बता देता हूं, तो आंसर क्या होगा, मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, डॉग बाइट या नन ऑफ दीज, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एंड आई न्यू मुझे पता था आप सभी इसका आंसर मॉस्किटो देंगे। गाइज लिसन, नो, यूपीएससी ऐसे ही आपके साथ खेलता है, बाकी एग्जाम्स भी आपके साथ ऐसे खेलते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे यार, ऑलराइट। सो आंसर विल बी नन। यहां पे लिखा है कॉज्ड, मलेरिया मच्छर के काटने से नहीं होता है, ऑलराइट, मलेरिया डॉग बाइट से नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, जो मच्छर है, जो मॉस्किटो है, दे आर ट्रांसफरिंग एजेंट्स, ऑलराइट, दे आर ट्रांसमिटिंग, they are transmitting agents। वरना हर बार मच्छर के काटने पे आपको मलेरिया हुआ है क्या? हर बार मच्छर के काटने पे आपको मलेरिया हुआ है क्या? तो आंसर इज नो, ऑलराइट। सो किसी स्पेशल मॉस्किटो के काटने से आपको मलेरिया होता है, और वो स्पेशल मॉस्किटो भी एक ट्रांसफरिंग एजेंट है जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ऑलराइट। Then your dengue, dengue is caused by dengue virus, all right. So viruses, bacteria, protozoa, microbes, all these are causing agents. ये सब causing agents होते हैं। तो जब तक options में viruses या protozoa या bacteria ना हो, आप अपना answer none रखेंगे, okay? Then transferring agent की जब बात आएगी, तब आप वहाँ पे female anopheles या Aedes mosquito या Culex species के mosquitoes कर सकते हैं, all right? सो ऑब्जर्व, सो ये आपको क्वेश्चन का ध्यान रखना होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सो 14th फेब इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड पेंगुलिन डे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन ऑब्जर्व वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, लेट्स ऑब्जर्व सम इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी मास के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को हम एक बार ऑब्जर्व करते हैं, ऑलराइट, लेट्स ऑब्जर्व। पहला 1st फेब सूरज कुंड क्राफ्ट मेला आता है, देन 1st फेब को ही हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी ऑब्जर्व करते हैं, ओके। देन 1st से 19th फेब आपका काला घोड़ा फेस्टिवल, इट्स अ वीक, ऑलराइट। सो काला घोड़ा फेस्टिवल हम ऑब्जर्व करते हैं 1st से 9th फेब। देन 2nd फेब आपको अभी बताया था वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था इस दिन। देन 2 to 8 फेब इज योर इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक। 4th फेब वर्ल्ड कैंसर डे, तो आप सब मुकेश को जानते हैं, यू ऑल नो अबाउट मुकेश, मुकेश से आप सभी वाकिफ हैं, ओके। ऑलराइट, अंकिता जी, शालिनी जी, कोई बात नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगर ऐसा है तो लेट मी चेक, ऑलराइट, डोंट वरी, ओके। सो फिर आता है 4th फेब को ही आपका नेशनल डे ऑफ श्रीलंका आता है। देन 6th फेब को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ओके, आता है, ऑलराइट। देन वी हैव 10 टू 14 फेब फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ओके। तो दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फेब। अभी कंटिन्यूएशन में होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ में तो मिलेगा ही। फिर 18 टू 27 फेब इज योर ताज महोत्सव, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करूंगा, वर्ल्ड डे ऑफ
सोशल जस्टिस, एक सामाजिक न्याय मिलने का विश्व दिवस, इसे ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समाज में कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, जिनका हाशिएकरण हो जाता है, जिनका मार्जिनलाइजेशन हो जाता है. सो इसको ऑब्जर्व करा जाता है 20th फेब को. 21st फेब इज योर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे. देन 22nd फेब इज योर वर्ल्ड स्काउट डे. देन 24th फेब इज योर सेंट्रल एक्साइज डे. एंड 28th फेब इज योर नेशनल साइंस डे ऑन द बर्थडे ऑफ वेरी रेनॉन्ड पर्सन, चित्रंजन वेंकटराव रमन, सीवी रमन. ऑलराइट, सो सीवी रमन, रमन इफेक्ट यू ऑल नो, स्कैटरिंग इफेक्ट यू ऑल नो. ऑलराइट, सो ऑल्सो गॉट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स. ओके, एंड ऑल्सो वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1954. थ्री पर्सनैलिटी, सीवी रमन, सी राजा गोपालचारी एंड एस राधाकृष्णन. ओके, सो लेट्स ऑब्जर्व सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पेंगोलिन. पेंगोलिन का एक असली नाम क्या है या उसे दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? स्केली आंतेत्रिस. स्केली आंतेत्रिस कहा जाता है. स्केली इसकी आप देख सकते हैं जो इसकी स्किन है उस पर स्केल्स बहुत ज्यादा हैं. ओके, देन न्यूज में क्यों था? मध्य प्रदेश हैज रेडियो टैग पेंगोलिन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिए. कौन सा स्टेट है जिसने पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है? ऑलराइट, सो इट्स मध्य प्रदेश. रेडियो टैगिंग से क्या एडवांटेज होगा? रेडियो टैगिंग से आप जान सकते हो कि रेडियो टैगिंग से उसका लोकेशन पता चल जाएगा. उसके बाद जूनोटिक. जूनोटिक यानी ट्रांसफरेबल है एनिमल टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन, वेरी डेंजरस. ऑलराइट, देन प्रोटेक्टेड. इसे किस लिस्ट में इसे प्रोटेक्शन दिया गया है? तो शेड्यूल वन पार्ट वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो आप जानते हैं जितने भी हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज किन्हें कहा जाता है? जो विलुप्त होने की कगार पे होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. सो शेड्यूल वन पार्ट वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसे हमने प्रोटेक्ट किया है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू, जल्दी से आंसर दीजिए. प्यार का पौधा कैंपेन हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट ऑफ टू प्रमोट प्लांटिंग ट्रीज? ठीक है, तो प्यार का मंथ था. ठीक है, तो प्यार का पौधे से भी क्वेश्चन आ गया है. ऑलराइट, सो प्यार का पौधा कैंपेन हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट टू प्रमोट प्लांटिंग ट्रीज, यानी प्यार का पौधा अभियान किस राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? इसका उत्तर तो सही चाहिए मेरे को सभी से. नैना जी ने उत्तर दिया है, अंकिता जी ने दिया है, भीम भाई ने दिया है, तन्मय विश्वास जी ने दिया है. ओके, राजीव जी एंड गाइस, काइंडली शेयर द सेशन. सेशन को शेयर करें ताकि और लोगों तक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंपॉर्टेंट आगे द हिंदू के आर्टिकल्स आने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वहां तक पहुंच सके. ठीक है, ऑलराइट, सो आंसर इज नन अदर देन योर बिहार. बिहार इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं. सो बिहार का कैपिटल इज पटना, एवरीवन नोज. देन वी हैव चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज नीतीश कुमार, 22nd चीफ मिनिस्टर है. ऑलराइट, देन गवर्नर इज फागू चौहान. देन डिस्ट्रिक्ट्स आर 38. नेशनल पार्क्स आप देख सकते हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ बिहार. देन एयरपोर्ट्स आर जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना में है. देन डैम्स, डैम्स आर दामोदर वैली, दामोदर वैली कॉरपोरेशन में आप जाए मेथू डैम आपने सुना होगा, लेकिन दामोदर वैली कॉरपोरेशन को हम टेनेसी वैली कॉरपोरेशन के समान मानते हैं. ऑलराइट, इसलिए दामोदर को रूर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. रूर इज अ प्लेस इन जर्मनी. देन वी हैव फोक डांसेस. अगर लोक नृत्य की बात करें तो वहाँ पे जाट जातिन बहुत ज़्यादा प्रमुख है, बहुत ज़्यादा फेमस है. और कुछ इंपॉर्टेंट फेमस स्टेडियम्स की बात करें तो मोइन उल हक स्टेडियम जो पटना में स्थित है. ओके, ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज योर स्टेट अबाउट महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, पहले हम जान चुके हैं लेकिन थोड़ा सा और जान लीजिए. फेमस टेम्पल है महाबोधि टेम्पल, गया, बैद्यनाथ. ऑलराइट, ये गलत लिखा हुआ है. ओके, यहाँ पे ये महाराष्ट्र नहीं है गाइस, इट्स बिहार ओनली. ओके, इट्स बिहार ओनली. ऑलराइट, सो सिटीज विद निकनेम. मुजफ्फरपुर, लैंड ऑफ लीची बोला जाता है मुजफ्फरपुर को, और बिहार की लीची को जीआई टैग भी मिला है, ये आप जानते हैं, भौगोलिक संकेत मिला है. ऑलराइट, स्वीट सिटी के नाम से जानते हैं मुजफ्फरपुर को. ऑलराइट, उसके बाद हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं टूम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, सासाराम, केव्स एट बराबर हिल्स. ऑलराइट, जहनाबाद, रोहतास फोर्ट, रोहतासगढ़ फोर्ट और रेलिका स्तूपा, वैशाली, रेलिका स्तूपा,
ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रैमसर साइट्स तो कोई फेमस वहां पे है नहीं, जीआई टैग्स मैंने आपको बताया था, शाही लीची वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर सिलाव खाजा, सुजीनी एम्ब्रॉयडरी, मधुबनी पेंटिंग्स, भागलपुर सिल्क, एक सेशन जरूर करवाएंगे आपको कुछ सर जीआई टैग्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट चीजें जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स रिसेंटली किन किन चीजों को मिला है उसके ऊपर बातें बताई जाएंगी। उसके बाद टाइगर रिजर्व वाल्मीकि और वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका महाबोधि टेम्पल गया और नालंदा में, ठीक है। सो लेट्स नाउ मूव टू द हिंदू फॉर टुडे। आज के द हिंदू से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। ऑलराइट, तो पहला हेडलाइन आपके समक्ष आ गया है। पहला हेडलाइन है न्यू अकॉर्ड डिवाइड्स बोडोस। ऑलराइट, तो ये आप जानते हो बोडोलैंड के बारे में, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, जो हिंदी भाषी में कैंडिडेट्स है डोंट ऑब्जर्व। द थर्ड बोडो अकॉर्ड साइन विद अ सेट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। ऑलराइट, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का मतलब होता है जो गरम दल वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है। और तीसरा बोडो अकॉर्ड, अकॉर्ड एक तरीके से समझौता, समझौता, ऑलराइट, समझौता, ऑलराइट। द थर्ड बोडो अकॉर्ड साइन विद अ सेट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मोर देन अ फोर्टनाइट अगो अपीयर्स टू हैव अनसेटल्ड अनदर सेट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हु साइन द सेकेंड अकॉर्ड in February 2003 went on to rule the Bodo Land Territory Council. The point is, तीसरा समझौता साइन हुआ है और जिन्होंने तीसरा समझौता साइन किया है उनसे निराश हैं जिन्होंने दूसरा समझौता साइन किया था वो वाले बोडो ग्रुप, ठीक है। तो जो बोडो लैंड है आपका, जो ये बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, ठीक है, परिषद जो है बोडो लैंड परिषद, यहां पे क्या हुआ है, एक तीसरा समझौता साइन हुआ है जिसकी वजह से निराश है आपके वो ग्रुप जिन्होंने दूसरा समझौता साइन किया था। ऑलराइट, सो दिस वाज इन न्यूज, तो ये पहले पेज नंबर 3 पे यू कैन ऑब्जर्व। ऑलराइट, अबाउट द बीयूटीसी, सो हाउ मेनी अकॉर्ड्स आर साइन रिगार्डिंग बोडोलैंड टेरिटरी टेरिटोरियल काउंसिल। सो 1, 2, 3, 4, दिस कुड बी अ क्वेश्चन। ऑलराइट, सो ऑब्जर्व द हेडलाइन वेरी केयरफुली, New Accord divides Bodos. All right, so there is a division among Bodos. All right, so Bodos की जो एकता है, जो unity है, जो integrity है, उसमें आपका एक खलन पड़ गया। All right, so let's observe Bodoland. Bodo Accord के बारे में जानते हैं, very important. Parties कौन कौन से involved है? So Ministry of Home Affairs, Bodoland Group and Assam Government. So this is your Assam, you can observe. This is your Assam state. ब्रह्मपुत्र नदी यहां से बहती है, बोगी बिल ब्रिज आपने सुना होगा। ऑलराइट, एंड दिस एरिया वेयर वी हैव कोकराझार, चिरंग, बक्सा, उदलगुरी। ऑलराइट, सो दिस इज योर बोडोलैंड टेरिटरी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। ऑलराइट, सो ऑटोनोमस उनका खुद का वहां पे रूल चलता है, सेल्फ गवर्निंग होते हैं। ऑलराइट, सो बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो ब्राउन में मार्क है ये वाला टेरिटरी है। ओके, मेन क्लॉज क्या है, तो इनका रीनेम बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, राइट, बीटीएडी टू बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, तो बीटीआर। राइट, सो यहां से यहां तक आपका रीनेम कर दिया गया, नाम बदल गया है। राइट, फिर हु आर बोडोस, बोडोस किने कहा जाता है, तो भारत के एक आदिवासी समुदाय है, सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन असम, स्प्रेड ओवर 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताए हैं, यहां पर एक बहुत बड़ा आदिवासी समुदाय है जिन्हें हम बोडो कहते हैं। राइट, सो दिस वॉज इन न्यूज, न्यूज में है तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एंड दिस स्लाइड विल हेल्प यू अलॉट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड हेल्प करेगा आपको, इसको एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा, एंड प्लीज नोट डाउन दीज डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट कम अंडर योर बीडीसी या बीटीआर और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, सो वहां पे 4 में से 3 ऑप्शन ये होंगे और एक ऑप्शन कोई बाहर होगा, अपार्ट फ्रॉम बोडो टेरिटरी होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आया है, नेक्स्ट स्लाइड वी ऑब्जर्व, वायनाड टाइगर रिजर्व प्रपोजल फेल्स टू फाइंड फेवर। नाउ दिस इज समथिंग वेरी शॉकिंग, आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, आप जानते हैं टाइगर एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, और आप जानते हैं वायनाड, वायनाड कहां है जल्दी से कमेंट करके बताएं, इन विच स्टेट वी फाइंड वायनाड, वेरी फेमस, इन विच स्टेट वी फाइंड वायनाड, क्विकली टेल मी, यस यस केरला, एग्जैक्टली। सो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो
बहुत सारे टाइगर्स, हाफ द नंबर ऑफ टाइगर्स प्रेजेंट केरला, केरला के आधे से ज्यादा टाइगर्स जो हैं वो वायनाड में प्रेजेंट है, और वहां पे एक टाइगर रिजर्व का स्टेटस देने से प्रपोजल कैंसिल हो गया. ऑलराइट, सो वायनाड टाइगर रिजर्व को एक टाइगर रिजर्व अभी नोटिफाई नहीं किया गया है. ऑलराइट, सो नंबर ऑफ टाइगर्स प्रेजेंट इन केरला मे नॉट बी नोटिफाइड एज टाइगर रिजर्व स्टिल, तो दिस इज वेरी शॉकिंग. राइट, तो यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको पेपर मेंस के एग्जाम्स में, एक आर्टिकल की भी आ सकता है कि व्हाट शुड बी द नेसेसरी पॉइंट्स टू हैव अ पर्टिकुलर एरिया टू बी कंसिडर्ड एज टाइगर रिजर्व. ओके, नेक्स्ट, तो लेट्स ऑब्जर्व टाइगर रिजर्व इन केरला. तो पेरियार आप जानते हैं 30-35 टाइगर्स, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली फेमस फॉर एलिफेंट्स, बट वहाँ पर 30-35 टाइगर्स भी हैं. परमबिकुलम 20-25 टाइगर्स हैं, और टोटल टाइगर्स एंड मैक्सिमम टाइगर्स इन द कंट्री वी हैव 2967, रिमार्केबल. ओके, एंड मैक्सिमम 526 मध्य प्रदेश, जिसको हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं. ऑलराइट, इसे ऑब्जर्व मत करिएगा, ये पहले वाला है, इसको आपको ऑब्जर्व नहीं करना, ये असम का ही बना हुआ है. ओके, सो टाइगर रिजर्व इन केरला. ऑलराइट, नेक्स्ट, केरला के कैपिटल क्या है, केरला के बारे में कुछ जान लेते, तिरुवनंतपुरम. देन वी हैव चीफ मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान. राइट, डिस्ट्रिक्ट 14, देन नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, अगेन सॉब्रिके, रिवर्स पेरियार, देन रीजनल फेस्टिवल्स ओनम, विशु, तिरुवातिरा, एंड आर्ट फॉर्म्स आर कथकली, मोहिनीअट्टम, ओथम थुलाल, कलारी पयाटू, इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन आर वल्लम काली अनयोत्तम. ओके, सो मोहिनीअट्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डांसेस में पूछा जाता है, कथकली भी पूछा ही जाता है, लेकिन मोहिनीअट्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहना चाहिए. और फेस्टिवल, रीजनल फेस्टिवल्स में ओनम, विशु एंड तिरुवातिरा. ओके, यस यस, यहाँ पे ये दोबारा से हो गया, ये दोबारा से प्रिंट हो गया है. ऑलराइट, तो प्लीज इसे इग्नोर करिएगा. आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर. ओके, या पिनाई बिचाए. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव जीआई टैक्स. जीआई टैक्स आपका देख सकते हैं, पलक्कड़ राइस, अलेपी कॉयर, और हिस्टोरिकल साइट्स आपका बेकल फोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपका वेस्टर्न घाट्स, सयाद्री के नाम से भी जानते हैं. ओके, उसके बाद रामसर साइट्स कौन से, अष्टमुड़ी लेक है आपका, सथम कोटा है, वेम्बनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, इट्स नॉट माय बर्थडे विक्रम जी. ऑलराइट, देन वी हैव, यस 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 यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो गवर्नर, वो मिस प्रिंट है वहाँ पे. ऑलराइट, देन नेशनल पार्क इज एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, देन वी हैव टाइगर रिजर्व पेरियार, देन वी हैव बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, then we have art forms kathakali, and then we have important tradition vallam kali and aniyottam, again repeated hai. Okay, so next slide aapke samne aa raha hai, next slide jaldi se observe karte hain. Isro making preparations to launch gsat in march. All right, march ke mahine mein gsat launch kare jane wala hai isro. Isro ke headquarters jaldi se comment karke bataye, where are the headquarters of isro, jaldi se comment kariye. Aur gsat ki baat kare to geo imaging satellite, theek hai, geo imaging kaisa dikhta hai, let's observe. This is your geo imaging satellite. All right. So, इससे क्या फायदे होंगे, इससे हम तरह तरह के जो images ले सकते हैं ड्यूरिंग डिजास्टर. आप जानते हैं अगर सुनामी आए है तो उस एरिया का पूरा फोरकास्टिंग डिस्टर्ब हो जाता है. All right. डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस समय हम डिजास्टर्स के समय इमेजेस ले सकते हैं, तरह तरह के ट्रेजेडीज के समय इमेज ले सकते हैं. और रेजोल्यूशन कितना है, 1.5 टू 50 किलोमीटर्स तक के रेजोल्यूशन का एरिया का हम इमेज ले सकते हैं. ऑलराइट, लाइफ कितना है, 7 इयर्स, एक बार लॉन्च करेंगे तो उसका 7 सालों तक का लाइफ रहेगा, विच इज क्वाइट गुड. ओके, यस, हेड के सिवान है. और इसरो कहां से लॉन्च करता है अपने ज्यादातर अपने प्रोग्राम्स, ठीक है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे कौन सा एक आइलैंड है जहां से इसरो लॉन्च करता है अपने प्रोग्राम्स, तो उसका आंसर देंगे. फिर हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ. तो इंडिया इंक्स 14 MOUs, मतलब 14 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे हैं रशिया के साथ, ठीक है. चांदीपुर हुआ क्या चंचल जी, श्री हरिकोटा बिल्कुल सही है, सतीश धवन स्पेस सेंटर बिल्कुल सही है. ऑलराइट, एंड अनदर वन इज योर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर. ऑलराइट, विच इज इन तिरुवनंतपुरम. ऑलराइट, तो रशिया माना जाता है भारत का सदाबहार पार्टनर, एवरग्रीन पार्टनर माना जाता है रशिया, और वो 14 MOU साइन करा है उन्होंने इंडिया के साथ. ऑलराइट, इन द एरिया ऑफ डिफेंस सपोर्ट,
विच इज रिमार्केबल. तो इससे एक सशक्तिकरण होगा भारत में, डिफेंस सेक्टर का सशक्तिकरण होगा. इस बार के बजट से थोड़ा निराश थे कि डिफेंस पे बहुत कम इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जितना हम कंपैरेटिवली लास्ट ईयर करते आए हैं. तो अगेन डिफेंस से क्वेश्चन उठ सकता है, तो एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए. फिफ्थ इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, तो इसका वेन्यू पूछा जा सकता है. कहाँ हुआ था? लखनऊ में. व्हाट वॉज द वेन्यू ऑफ फिफ्थ इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो आंसर विल बी लखनऊ. ओके, कितने एमओयू साइन हुए हैं? 14 एमओयू साइन हुए हैं और मॉडर्न T-90 टैंक्स एंड पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम को वो इंक्लूड करता है, ठीक है, T-90 टैंक्स एंड पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम. सो दिस वॉज योर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम टूडेज द हिंदू. ओके, देन वी हैव लेट्स ऑब्जर्व अबाउट डिफेंस एक्सपो. तो आप जानते हैं 2020 में डिफेंस एक्सपो हुआ है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिफेंस एक्सपो के बारे में जान लीजिए. पार्थ लॉन्च. व्हाट इज पार्थ? वर्ल्ड्स चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी. वेरी इंपॉर्टेंट. हु डेवलप्स वेपन फॉर इंडियन आर्मी? आपको कमेंट करके बताना है कौन इंडियन आर्मी के लिए वेपन बनाता है, जल्दी से बताइए. देन लखनऊ डिक्लेरेशन. इंडियन अफ्रीकन नेशन डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड. ठीक है, तो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था. वेन्यू भी आपको पता होना चाहिए. इंडिया और यूके से रिलेटेड क्या है? द सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM एंड यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC साइन MOU. ऑलराइट, तो भारत और इंग्लैंड, यस, DRDO इज एब्सोल्युटली करेक्ट. IOF नहीं बोलेंगे, DRDO इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, या आप बेल का भी नाम ले सकते हैं, जो रेडार्स वगैरह इंक्लूड होगा, तो उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आ सकता है. ओके, देन इंडिया यूके ने जो साइन करे, तो इंडिया से कौन थे? सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स. और यूके से कौन थे? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल. इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुए हैं. ऑलराइट, इंडिया रशिया, तो इंडिया रशिया क्या सिग्निफिकेंस है? 14th एमओयू साइन हुए हैं, जो फिफ्थ इंडिया रशिया इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है. ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट हेडलाइन था आपका, इट विल बी नमस्ते ट्रंप. ओके, तो आप जानते हैं US प्रेसिडेंट जो आ रहे हैं इंडिया. ओके, तो नमस्ते ट्रंप उसका नाम है, जो होना था पहले केम छो ट्रंप. ऑलराइट, तो अर्लियर इट वाज थॉट कि इसका नाम रखा जाएगा केम छो ट्रंप, बट ये अब क्या डिक्लेयर कर दिया, नमस्ते ट्रंप. ऑलराइट, क्योंकि थोड़ा ज्यादा नेशनल लगता है नमस्ते ट्रंप, केम छो थोड़ा रीजनल हो जाता है, शायद इस कॉन्ट्रोवर्सी को हटाने के लिए ये करा गया है. ऑलराइट, कहाँ होगा? तो वेन्यू वेरी इंपॉर्टेंट. मोटेरा नाम आप लिख लीजिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला स्टेडियम बनने वाला है मोटेरा स्टेडियम. ऑलराइट, अराउंड कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख पीपल. ऑलराइट, और मेलबर्न का जो अब तक का स्टेडियम है लार्जेस्ट, वो मेलबर्न है आपका. मेलबर्न से भी ज्यादा इसका कैपेसिटी होगा. ओके, यू कैन ऑब्जर्व मोटेरा स्टेडियम ओवर हियर. सो वेन्यू पूछा जा सकता है 1.25 लाख पीपल. 1.25 लाख पीपल का कैपेसिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो बहुत बड़ा स्टेडियम ये बन रहा है, और यहाँ पे आपका जो इवेंट होगा उसका नाम क्या होगा? नमस्ते ट्रंप. ऑलराइट, सो ये आ सकता है एग्जाम में कि अर्लियर उसका क्या नाम था, तो पहले उसको बोला जा रहा था केम छो ट्रंप. ऑलराइट, सो इट हैज बीन रीनेम्ड फ्रॉम डैश टू नमस्ते ट्रंप, तो केम छो ट्रंप टू नमस्ते ट्रंप. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है आपका, ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन ऑब्जर्व अ इमेज ऑफ सौरभ गांगुली. ठीक है, सो टेक अवे क्या है? डे नाइट टेस्ट एट एडिलेड. तो इंडिया खेलने जा रहा है डे नाइट टेस्ट, कहाँ पे? एडिलेड, डेट इज इन ऑस्ट्रेलिया, और अहमदाबाद वर्सेज इंग्लैंड. ठीक है, इंग्लैंड के वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में, कहा ऑस्ट्रेलिया के वर्सेज खेलेगा एडिलेड में, और अहमदाबाद में खेलेगा इंग्लैंड के वर्सेज. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग टर्न ओवर. आप जानते हैं टेस्ट क्रिकेट इतना ग्लैमरस नहीं है, तो टेस्ट क्रिकेट को ग्लैमरस बनाने के लिए ये सब चेंजेस करे जा रहे हैं, और ये भी एक आशंका लगाई जा रही है आने वाले टाइम में आप 5 डे मैच से लेकर 4 डे फॉर्मेट तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, या 3 डे फॉर्मेट तक टेस्ट क्रिकेट को कर सकते हैं आप ऑब्जर्व. ऑलराइट, सो इंडिया टू प्ले डे एंड नाइट टेस्ट एट एडिलेड, सो यू शुड ऑब्जर्व दीज टू सिटीज, एडिलेड एंड अहमदाबाद. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वेन्यू पूछा जा सकता है कि ये डे नाइट मैच कहां खेला जाएगा. ओके, नेक्स्ट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. द हिंदू से इतना ही था आज का इंपॉर्टेंट न्यूज. ओके, अब आपका कुछ स्टैटिक है, कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में स्टैटिक जी के है, जान सकते हैं.
बांदीपुर कौन से स्टेट में है? तो कर्नाटका में है. कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, टाइगर्स ऑफ कुमाऊ, एक किताब लिखी थी उन्होंने, उत्तराखंड. ऑलराइट, देन कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है. जंगल जंगल बात चली है, पता चला है. किन्होंने लिखी है किताब? द जंगल बुक. किन्होंने लिखी है जल्दी से कमेंट करके बताएं. जंगल बुक किन्होंने लिखी है जल्दी से कमेंट करके बताएं. देन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन हॉर्न रिनोसेरस के लिए फेमस है, असम में है, और यहीं इनके बराबर में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है. राइट, देन पलामू झारखंड, रणथंबोर राजस्थान, देन सिमलीपाल उड़ीसा, देन सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, पेरियार केरला, सरिस्का राजस्थान. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ठीक है. नेक्स्ट क्लास जो मैं शुरू करूंगा, आपका स्टैटिक क्विज से ही शुरू करूंगा. अभी एक और क्लास का समय हो रहा है. ऑलराइट, और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आप मेरे को बता दीजिए अगर कुछ पूछना है आज के सेशन से, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं. यस, रुडयार्ड किपलिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था और वो बेस्ड ऑन आपके कान्हा नेशनल पार्क ही था. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यस, शाम को भी क्लास होगी रंजू जी. सो 4 बजे आप सबका इंतजार रहेगा. आई होप आपने कुछ सीखा होगा आज के सेशन से. ऑलराइट, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. ऑलराइट, टेक केयर, गो ग्रेड अप, प्रेट स्मार्ट एंड स्कोर बेटर. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.